आज बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, पहले हम ईआर के बारे में बात कर चुके हैं, गोल्गी अपरेटस के बारे में बात कर चुके हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सारे जो टॉपिक हैं आपको क्लियर होने चाहिए, तभी ये आगे जो है क्लियर होते चलेंगे। तो आज बात कर लेते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। तो लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स होता है हमारा, आप इसको स्टोमेक कह सकते हैं, किसी भी सेल का स्टोमेक ऑफ द सेल कह सकते हैं, यानी कि जो पेट है, या कहें कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, किसी भी सेल का आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोल सकते हैं, कि जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वो भी आप इसको बोल सकते हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम इसके लिए ठीक हैं, आप कोई भी इसको दे सकते हैं। इस तरह का जो लाइसोसोम्स होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर देखिए बाहर ये जो है ये मेम्ब्रेन होती है। तो इसके पहले पार्ट देख लेते हैं, ये मेम्ब्रेन होती है, अंदर ये जो लेयर दिखाई गई है ये लिपिड्स की लेयर होती है। अब जो ये लिपिड्स होते हैं ये कौन बनाता है? ईआर बनाता है। ईआर यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो बनाता है। गोल्गी अपरेटस जो होता है, दोनों ही जो एक कम्बिनेशन में होता है, जो हमने बात की कि ईआर से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ से जो लिपिड हैं या प्रोटीन हैं वो बनते हैं और यहाँ पे इस पे आते हैं। तो यहाँ पे ये हो गई लिपिड लेयर। अब इसके बीच में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक, ये जो चीज़ हमने दिखाई है ये हमारे एंजाइम होते हैं, एंजाइम मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर। तो ये जो हाइड्रोलाइक एंजाइमिक मिक्सचर है, ये जो ये क्या काम करता है, ये हमारा जो सारा जो डिस्पोजल सिस्टम है, यानी कि ये पूरा फूड को तोड़ने का काम करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। वो भी देखेंगे इसके क्या क्या काम है। इसी तरह से जो मेम्ब्रेन पे कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं ईआर से आते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे लिपिड्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे आते हैं ईआर से, तो एंडुलम जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था उससे आते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये इसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, लाइसोसोम्स जो है ये, अब पूरा स्ट्रक्चर जो है लाइसोसोम को हम समझ चुके हैं, इसके मेन मेन पार्ट जो हम समझ चुके हैं। अब ये क्या करता है? ये क्लीन रखता है, किसी भी सेल को क्लीन रखने का काम करता है, यानी कि उसको साफ करने का काम करता है। जैसे हमारा पेट होता है वो हर चीज़ को जैसे डाइजेस्ट करता है, फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है, उसी तरह से जो लाइसोसोम है किसी सेल के लिए ये काम करता है। तो ये क्या करता है, जो भी फॉरेन मटेरियल है जैसे कि फूड आया या कोई भी बैक्टीरिया है, जो वायरस आया, वो जो सारा है यहाँ पे आता है और यहाँ पे उसको वो कंज्यूम होता है। तो इस तरह से ये सारा जो है, इसके अंदर जो कोई पुराने ऑर्गेनेल्स हों, अब सेल किस चीज़ की बनी होती है? ऑर्गेनेल्स की बनी होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो ऑर्गेनेल्स की बनी होती है। ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, किसी सेल को बनाते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो ये सारे जो हैं लाइसोसोम्स के अंदर एंड अप हो जाते हैं। कोई फूड हो, कोई ओल्ड ऑर्गेनेल्स हो यानी कि पुराना हो, तो जो ख़त्म होने वाला हो, तो सारे जो लाइसोसोम्स के अंदर एंड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पीसीज उसके कर दिए जाते हैं, जब बिल्कुल छोटे छोटे पीस हैं वो कर दिए जाते हैं, ताकि आसानी से उनको डाइजेस्ट किया जा सके। तो इस तरह से जो लाइसोसोम्स है वो क्या करता है, एक पावरफुल डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने बात की, ये एंजाइम मिक्सचर होते हैं जो ये काम करता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। और इसी तरह से अगर कोई डिस्टरबेंस होता है, कोई भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर कोई डिस्टरबेंस होता है, जैसे मान लीजिए सेल है, अगर वो डैमेज हो जाती है, पूरी जो सेल है डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम्स को ये क्या करता है, ये अपने आप ही फट जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो एंजाइम है पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए जो लाइसोसोम्स हैं इनको हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, तो इसलिए इनको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपस में फट जाते हैं अगर कोई भी इसके अंदर डिस्टरबेंस होती है, और पूरी सेल को ये डाइजेस्ट कर देता है, तो ये भी इसको नाम दिया गया है। तो इस तरह से जो लाइसोसोम्स है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो एंजाइम है ये बने होते हैं, बनते कहाँ से हैं ये एंजाइम, जो हमने ये देखे आरईआर से, यानी कि जो हमारा हमने जो पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ा था, वहाँ से ये बनते हैं। तो इस तरह से लाइसोसोम्स को आप समझ सकते हैं। मेन जो इसको आप समझने के लिए नाम दे सकते हैं स्टोमेक ऑफ द सेल, या फिर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम आप इसको नाम दे सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।